नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शिखावत। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे कि बिन राजे बीजेपी प्रदेश में कैसे हालात बने हुए हैं, प्रदेश के भाजपा के किस तरह से हालात बने हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रदेश भाजपा के हालात जो है खस्ता चल रहे हैं, ऊपर से वसुंधरा राजे भी यहां पर मौजूद नहीं है। लगातार होते विरोध प्रदर्शनों में जनता और खुद कार्यकर्ताओं का जो रुख है, जो रुझान है, वो लगातार कम होता जा रहा है। प्रताप जी, क्या लगता है कि वसुंधरा राजे काफी समय से प्रदेश में नहीं है, तो अब एक कद्दावर नेतृत्व की जरूरत जो है यहाँ पर बहुत महसूस की जा रही है? हाँ पूनम, आज बीजेपी ने तय किया था कि वो गिरफ्तारियां देंगे, तो जिस तरह से मंडल की गिरफ्तारी में जो संख्या सामने नजर आई, तो उससे लगता है कि शायद सारे के सारे कार्यकर्ता जो इनके ऑन रिकॉर्ड कार्यकर्ता हैं या कार्यकारिणी के मेंबर हैं, वो भी नहीं पहुंचे। जिस तरह से जो हवा महल मंडल से आए 51 कार्यकर्ता और मालवीय नगर से आए 102 कार्यकर्ता और जो सांगानेर मंडल में आए 125 कार्यकर्ता, इस तरह से अगर पूरा 8ों मंडलों का मिला लिया जाए तो ये कुल मिलाकर 250 नहीं बैठते। अब 8 मंडलों पे इतनी बड़ी भाजपा, जो कि लगभग 50 लाख की आबादी का ये शहर और कहती है भाजपा की ये हमारा गढ़ है, इस गढ़ में अगर कहा जाए तो 10,000 तो इसके कार्यकर्ता दावे के अनुसार होंगे, और गिरफ्तारी केवल 250, 300, 500 की हो तो ये समझ में इसमें भी आता है। सबसे बड़ी बात प्रताप जी कि कई जो संगठन है, उन्होंने व्यापारिक संगठन है, उन लोगों ने भी यहाँ पर साथ दिया था भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन का, तो आखिर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो मूल कार्यकर्ता है, वो कहाँ गए? शायद मुझे लगता है कि उनको महंगाई से ज्यादा जो पार्टी के अंदर जो खींचतान है वो ज्यादा परेशान किए हुए है, तो इसलिए जब पार्टी ने घोषणा की कि हम महंगाई का विरोध करेंगे तो उन्होंने पार्टी के नेताओं का ही विरोध कर दिया, और ऐसा लगता है कि जो एक के बाद एक जो दूसरा विरोध हुआ उसने पार्टी के नेताओं की हालत को ढीला कर दिया। और इन सब बातों में लगता है कि आखिर में बार बार कहा जाता है कि भाजपा बड़ी सत्ता में आने के बड़े दावे करती है, लेकिन जब 250 कार्यकर्ता, जब पूरे देश भर में इतना हल्ला मच रहा है कि बिल्कुल कांग्रेस ने जनता जनहित विरोधी निर्णय ले लिया है और जनता उबाल पे, और ऐसे में यदि कार्यकर्ताओं में उबाल क्या गर्मी भी नहीं आती है तो समझ लेना चाहिए कि भाजपा की हालत कितनी पतली हो चुकी है। सबसे बड़ी बात प्रताप जी कि अरुण चतुर्वेदी ने और जो बड़े बड़े यहाँ पर नेता थे, उन्होंने भी अपने आप को इस विरोध प्रदर्शन से, जो गिरफ्तारियां यहाँ पर दी गई हैं, उनसे अपने आप को दूर रखा। तो एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि पहले ही यहाँ पर राजे नहीं है प्रदेश में मुझे मौजूद, लगता है और कि उनको पहले से ही पता था कार्यकर्ता आएंगे नहीं तो क्यों अपना नाम खराब हो, तो इसलिए चुपके से पतली गली से निकल गए वो और कहा कि जो नेता जाते हैं जाए। और शायद मुझे लगता है कि जितने भी विधायकों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी, तो शायद उनको लगता है कि जितने मतदान केंद्र हैं उतने भी कार्यकर्ता वो नहीं जुटा पाए, तो उनके लिए सामने एक चुनौती होगी कि जब चुनाव आएंगे विधानसभा चुनाव, तो शायद वो अगर अपने पार्टी के भरोसे और इसी तरह से रहे तो मतदान केंद्रों पर अपने एजेंट भी नियुक्त नहीं कर पाएंगे। प्रताप जी, एक सवाल ये है कि कांग्रेस जहां महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से लगातार घिरी है, तो वहीं भाजपा ने भी, प्रदेश भाजपा की अगर बात करें या फिर अगर भाजपा की बात करें अगर केंद्र में, तो एक अच्छी विपक्ष की भूमिका जो है नहीं निभा पा रही है। बहुत जरूरत है कि एक अच्छे पक्ष की भूमिका के लिए भाजपा को हमेशा तैयार रहना चाहिए। शायद मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रही है और वो ये कह रही है कि नहीं देखिए, हम कांग्रेस को किसी कठिनाई में डालना नहीं चाहते हैं, अच्छी दोस्ती निभाना चाहते हैं। और आज तो मेरी एक नेता से बात हो रही थी कि अरे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और इतना बड़ा मुद्दा है, जनता उबाल पे, जनता बड़ी परेशान है, जनता तो सड़कों पे निकलने को तैयार है, आप बंद की बात कहते हैं, वो 3 दिन से दुकानें बंद करके बैठ जाते हैं, तो जनता इतना समर्थन दे रही है आपको क्यों? तो बोले बात कुछ नहीं है, अंदर खाने ये तय हो चुका है कि 5 साल आप, 5 साल आप, तो इसलिए हमारे तो इसी तरह से गाड़ी चलती रहेगी, क्यों खाली खामा खा विरोध प्रदर्शन करके अपना भी टाइम खराब करें और कांग्रेस का भी टाइम खराब करें। तो ऐसा लगता है कि इस मिली भगत में जो है भाजपा पूरी तरह से ये संतुष्ट है और उसको ये पता है कि अब हमारा जो पुल बन चुका है, जैसे कई बार टेंडर में पुल बना लेते हैं ठेकेदार
कि पूल बना लेते हैं और कहते हैं कि इस टेंडर में आपकी बारी, उस टेंडर में आपकी बारी, तो इस बार शायद जो टेंडर छूटेगा इसमें तय हो चुका है कि किसकी बारी है, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत है। यानी कि कहा जाए तो ना तो भाजपा की सरकार है ना कांग्रेस की सरकार है, ये मिलीजुली सरकार है, कभी तुम्हारी कभी हमारी, कभी तुम्हारी कभी हमारी। अंदर खाते तो यही लगता है कि असली मिलीजुली तो यही है कि मिलीजुली राजनीति कहना चाहिए इसे, मिलीजुली राजनीति, ये इसे नूरा कुश्ती कह सकते हैं, जो आपस में एक दूसरे को बस बदलते हैं और जनता को दिखावा करते हैं कि हम लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रताप जी, आखिर अब तक जो भाजपा में, प्रदेश भाजपा में यहाँ पर जो कमी खली है, जो हालात बने हुए हैं, क्या है आपको दिखाते हैं? डीजल, रसोई गैस, एफडीआई जैसे जन विरोधी निर्णय जनता की मुसीबतें काफी बढ़ा चुके हैं, तो वहीं केंद्र में कांग्रेस की मुश्किलों में भी काफी इजाफा हुआ है। लेकिन विपक्ष की वजह से नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों के तीखे तेवरों की वजह से विपक्ष अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पा रहा है। भाजपा के ढीले होते तेवरों की तस्वीर प्रदेश भाजपा में आजकल नजर आ रही है। बिन पानी सब सून वाली कहावत यहाँ बिन राजे बीजेपी सून वाली बनकर रह गई है। प्रदेश भाजपा की विपक्ष की भूमिका ना के बराबर रह गई, लेकिन इन सब की सबसे ज्यादा फिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को है। बीजेपी भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वसुंधरा फोबिया का आरोप लगाए, लेकिन राज्य का राजस्थान में मौजूद ना होना कई सवालों को खड़ा कर रहा है। प्रदेश बीजेपी की गुटबाजी आपसी कलह सतह पर है और अब एक कद्दावर नेता की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है। लंबे समय से राज्य लंदन में है, बाढ़ के हालात हों या भ्रष्टाचार, महंगाई से त्रस्त जनता, सांत्वना के नाम पर बीजेपी के पास शब्द ही नहीं है। तो वही केंद्र से इंस्पायर होकर प्रदेश भाजपा में विरोध प्रदर्शन जरूर हुए हैं, लेकिन उनमें कार्यकर्ताओं, जनता का रुझान का ग्राफ लगातार गिरा है। 2014 के आगामी चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी की कमजोर स्थिति और वसुंधरा की कमी प्रदेश में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को लगातार मजबूत करती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो प्रदेश भाजपा की स्थिति लगातार गिरती जा रही है, जनता का रुझान हो या फिर खुद भाजपा कार्यकर्ताओं का रुझान हो, रुझान कम हो रहा है पार्टी से। तो प्रताप जी, क्या लगता है कि क्या वाकई में वसुंधरा राजे की कमी जो है प्रदेश भाजपा को इस वक्त बहुत खल रही है? मैंने एक पूनम नेता से पूछा कि आखिर में वसुंधरा जी है कहाँ, क्यों नहीं आ रही हैं, तो उनका कहना था कि कोई राहु केतु का मामला है, यानी कि वो जो ज्योतिषीय मामला है और राहु केतु के चक्कर में वो उस काल को टालना चाहती हैं, उसके बाद आएंगे। तो एक दूसरे नेता जी खड़े थे, वो कह रहे थे कि वसुंधरा जी के तो राहु केतु टल जाएंगे, लेकिन पार्टी के राहु केतु और शनि पीछे पड़ जाएंगे, तब तक जब तक वसुंधरा जी आएंगी तब तक तो पूरी तरह से पार्टी का बंटाधार हो चुका होगा। तो इन दिनों पार्टी में इस बात की चर्चा है ज्यादा कि कब राहु केतु बाहर निकले और कब वसुंधरा आए, और पार्टी इस बात को लेकर भी चिंतित है, कहीं इस बीच में अगर शनि पीछे पड़ गया तो जो सत्ता का जो एक सपना देख रहे हैं वो कहीं दूर नहीं हो जाए, तो इसलिए बड़ी चिंता इन दिनों पार्टी में बनी हुई है। यानी कि एक कद्दावर नेता की वास्तव में यहाँ पर एक बहुत आवश्यकता महसूस कर रही है बीजेपी प्रदेश में, क्योंकि जिस तरह से ग्राफ जो है इनका लगातार विरोध प्रदर्शनों का कहे या फिर इनकी खुद की इमेज का वो गिरता जा रहा है। वसुंधरा राजे कद्दावर नेता तो है ही, साथ में जिस तरह से पार्टी पूरी तरह से गुटों में बटी हुई है और यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है जो सबको साथ लेके चल सके, तो ऐसे में स्थिति ये हो गई है कि सब अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग, सब अपनी अपनी डबली बजा रहे हैं, जिसकी आवाज जो है मजबूती से नहीं उठ पा रही है और कोई उन सबको साथ लेके चलने वाला भी नहीं है। अब वसुंधरा राजे का अपना क्रेज है क्योंकि उनको किसी नेता की जरूरत नहीं है, जनता अपने आप पीछे उनके साथ हो जाती है, लेकिन पार्टी में इस समय ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके पीछे जनता है। उन सबको तो एक होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो एक नहीं हो सकते क्योंकि सबकी अपनी अपनी निजी हित है, अपने अपने स्वार्थ हैं, अपनी अपनी कुर्सी है, सब कुर्सी की का कमाल है। तो ऐसे में पार्टी को एक बड़ी जरूरत सी ये महसूस हो रही है कि कोई तो ऐसा आए खेवनहार जिसको ना तो इन लड़ने वाले नेताओं की जरूरत हो और अपने आप ही पार्टी को उस माहौल में आगे ले जाए, और इसलिए बड़ी राजे की बड़ी याद आ रही है इन लोगों को कि कब आए राजे, कब आए राजे। जी, तो बिन राजे बीजेपी क्या वाकई में सही है, चर्चा जारी रहेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि बिन राजे बीजेपी यानी कि प्रदेश में क्या वाकई हालात ऐसे हो चले हैं कि वसुंधरा राजे बिना यहां पर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आपसी जो गुटबाजी है, अंतरकलह लगातार बढ़ती जा रही है और जो भाजपा का जो ग्राफ है प्रदेश में वो लगातार गिरता जा रहा है। प्रताप जी, क्या लगता है किस तरह से वसुंधरा राजे यहाँ पर नहीं है, काफी दिनों से नहीं है और एक चुप्पी जो यहाँ पर लगातार छाई हुई कि आखिर क्यों नहीं है, क्या अब होने वाला है नेतृत्व को लेकर? लगता है कि वसुंधरा राजे के कारण जो नहीं होने के कारण जो एक पार्टी में जो गर्मी आनी चाहिए थी वो नहीं है। लेकिन हमारे साथ इस समय हमारे मुख्य संवाददाता नीरज मेहरा जुड़े हुए हैं, अब उनसे जानेंगे। नीरज नीरज आज भाजपा ने जगह जगह प्रदर्शन किया, मंडल स्तर पे गिरफ्तारियां दी, क्यों आज संख्या नहीं जुट पाई, क्या कारण था? देखिए, बिल्कुल जिस तरह का बड़ा मुद्दा है भाजपा के पास था, उसके बावजूद अगर जो गिरफ्तारियां थी उसमें देखा जाए तो लोग भीड़ नहीं जुट पाए लोगों की, तो इसमें साफ जाहिर है कि जो भाजपा है वसुंधरा राजे के बिना अधूरी सी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें बिखराव नजर आ रहा है। जो इन्होंने ऐलान किया था आज मंडल स्तर पर गिरफ्तारियां करने का, वो मंडल स्तर की बजाय विधायक स्तर पर सिमट कर रह गया। सबसे बड़ी बात है कि 10 मंडल है, 10 गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो जितने विधायक थे जयपुर शहर में बीजेपी के, सिर्फ वहां इनका गिरफ्तारियां सिमट कर रह गई और नीरज नीरज कार्यकर्ता की संख्या बहुत कम रही। नीरज, ये चिंता का विषय है और वाकई में लगता है कि वसुंधरा राजे नीरज नीरज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कुछ सुना सुनापन है और जो दूसरे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनके आह्वान पर ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं जुट पाती है। नीरज नीरज क्या क्या कारण है, क्या पार्टी का जो संगठन है उसने साथ नहीं दिया, केवल जो विधायक के जो सहयोगी है समर्थक है वो ही क्यों आए, क्यों इतनी कम संख्या जुटी, क्या पार्टी इस समय बुरी तरह से गुटों में बटी हुई है, क्या कारण लगता है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल जो एफडीआई और डीजल के नामों पर जो वर्दी है, वर्दी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर बंद का आह्वान किया था, लेकिन जयपुर शहर ने जयपुर में मात्र आज गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया था, तो आप समझ सकते हैं कि जयपुर को इन्होंने अलग किया। सबसे पहले तो पूरे प्रदेश में भी ये गिरफ्तारियों का ऐलान कर सकते थे आज के दिन, लेकिन इन्होंने नहीं किया और सिर्फ जयपुर में किया, और जयपुर में इसलिए किया कि ताकि अपनी ताकत दिखा सके। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि पूरी भारतीय जनता पार्टी शहर इकाए विधायक मिलकर भी अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पाए और समर्थन नहीं जुटा पाए। क्या कारण है, क्या कारण है इसमें, आपस में कहीं कहीं है और वही बिखराव के चलते लोग जुड़ नहीं पाए इनसे। क्या कारण लगता है, क्या गुटबाजी का पीछे क्या कारण है, क्या इस समय भी वसुंधरा गुट, गुलाबचंद कटारिया गुट, घनश्याम तिवाड़ी गुट, अरुण चतुर्वेदी गुट इसी में बटी हुई है, या चुनाव आने के साथ कुछ आपस में जो ये गुटबंदी है कम हुई है? जी बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐलान करना था तो पूरे प्रदेश भर में आज ये गिरफ्तारियों का ऐलान कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको डर सता रहा था कि पूरे प्रदेश में ये गिरफ्तारी आंदोलन सफल होगा या नहीं होगा, तो ऐसे में इन्होंने सिर्फ जयपुर शहर तक इस कार्यक्रम को चिमटा दिया। जयपुर के देहात थे वहां भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं रखा गया, जो दूसरे जयपुर संभाग भी नहीं लिया इन्होंने, तो इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दूसरे नेता है और इनमें आपस में तालमेल का कहीं ना कहीं अभाव है, नहीं तो ये पूरा आज का आंदोलन था गिरफ्तारी आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर का हो सकता था, लेकिन इन्होंने जयपुर शहर में चिमटा दिया और जयपुर शहर में भी ये लोगों की भीड़ नहीं जुटा पाए, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इनके आपसी बड़े जो नेता है वसुंधरा राजे हो, चाहे ओम माथुर हो, चाहे दूसरे गुलाबचंद कटारिया हो, तो कहीं ना कहीं इनकी जो गुटबाजियां हैं ज्यादा हावी हो गई है, और यही कारण है कि इनके जो कार्यक्रम है उनमें कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं जुट पाती है। जब वसुंधरा राजे होती है तो भीड़ का आकलन आप खुद देख सकते हैं किस तरह लोग इनके समर्थन में आते हैं। जी नीरज जी, आपने कहा कि यहाँ पर कुछ जो विधायकों ने शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया, तो आपको क्या लगता है कि जो शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया, नाम मात्र के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, कितना सफल रहा है शक्ति प्रदर्शन? देखिए, आज का इनका जो ऐलान किया था इन्होंने मंडल, जयपुर शहर में 10 मंडल है तो अलग अलग मंडलों में 10 जगह पर गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो प्रदर्शन गिरफ्तारियां थी मात्र जो प्रमुख प्रमुख विधायक है उन्होंने अपने अपने इलाके में कर लिया, और 50, 60, 70, 100, 125 कार्यकर्ताओं से ज्यादा कहीं भी गिरफ्तारियों में नहीं जुड़ पाए। इससे साफ लगता है कि जो पार्टी के अंदर अंतरकलह है, अंतरकलह के चलते पार्टी एकजुट नहीं हो पा रही है, विधायकों के कहने में मंडल अध्यक्ष नहीं है, मंडल अध्यक्षों के कहने में विधायक नहीं है, और जो संगठन है संगठन स्तर पर क्योंकि पहले से ही बिखराव चल रहा है, शहर अध्यक्ष को पहले से ही जो जयपुर के विधायक ज्यादातर नहीं मानते थे पिछले कुछ दिनों पहले, हालांकि इनकी जो है आपसी कलह थी वो दूर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन आज जब जो गिरफ्तारियां देखी गई तो उसमें भी साफ देखा गया कि भीड़ और संगठन और जो विधायक है उनमें दूरी थी। नीरज नीरज नीरज।